अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ईद के बाद आ चुके हैं साइबर गेम्स पर। और ईद के बाद अब क्या रेट चल रहे हैं साइबर गेम्स पर अपने PS5 वगैरह के? PS5 स्लिम का तो स्टॉक आपको नज़र आ ही रहा है जैसे कि हर बार माशाल्लाह होता है, इस बार थोड़ा पिछली वीडियो से भी ज़्यादा अवेलेबल है माशाल्लाह से। हाँ, पीस प्रो डब्बे वाले पीस यहाँ पर कम हो गए हैं, पर अपना वैसे मौजूद है यहाँ पर। अपना जेल ब्रेक वगैरह, कंसोल्स वगैरह, सबकी सारी डिटेल्स वगैरह जो भी हैं अभी जवाद भाई से हम लेते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम जवाद भाई, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम जैद भाई, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सब पहले सबको ईद मुबारक, और माजरत कि हमारी ईद से पहले ना वीडियो आई ना ईद के फौरन बाद आई। सबको ईद मुबारक। और तो जवाद भाई, सबसे पहले तो शॉप का एड्रेस वगैरह बताएं। जैद भाई, शॉप का एड्रेस है हमारा सिंपल है, मेन गुलशन शमीम में हमारी शॉप है। शमीम स्काईलाइन टावर बिल्डिंग का नाम है, फ्रंट की शॉप है साइबर गेम्स के नाम से। आप आयशा मंजिल से मुक्का चौक से सीधा आते हैं तो उल्टे हाथ पे एक ही शेल का पंप पड़ता है, उसके बराबर वाली बिल्डिंग की मेन रोड की शॉप है। अगर आप गुलशन से आ रहे हैं तो गुलशन से भी आते हुए आपका उल्टे हाथ पे एक शेल का पंप पड़ेगा, उसके ऑपोजिट एकदम सामने गेम शॉप है हमारी। और जैसे कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे लोकेशन वगैरह भी मिल जाएगी, और अगर आप बाइकिया या गूगल मैप वगैरह पर साइबर गेम्स लिखते हैं तो वहाँ पर भी आपको लोकेशन डायरेक्टली वो मिल जाती है, सही है। टाइमिंग्स क्या चल रही है? जैद भाई, टाइमिंग्स है हमारी संडे और फ्राइडे जो है वो 4 से रात 11 है, और बाकी जो है वो 2-2:15 बजे तक जो है वो ओपन हो जाती है, और रात 11-11:30 तक। संडे भी सेम से? जी, संडे और फ्राइडे आपकी 4 से 11, 4 से 11 संडे और फ्राइडे। जी सही। और व्हाट्सएप नंबर? व्हाट्सएप नंबर जैद भाई मेरा जो पर्सनल है 03408686829, और जो शॉप का नंबर है वो है आपका 03323608078। डिस्क्रिप्शन पे आपको नंबर्स वगैरह भी मिल जाएंगे। आपके फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पेज वगैरह? जी, इंस्टाग्राम पे नहीं है, फेसबुक पेज है साइबर गेम्स के नाम से, और गूगल पे भी साइबर गेम्स के नाम से है। सही। अच्छा जैद भाई, का जो नंबर मैंने दिया है वो काइंडली आप इस पर कॉन्टैक्ट जो है वो दुकान की टाइमिंग में ही किया करें, अपना 2 बजे से लेकर जो दुकान की टाइमिंग है 12 बजे तक भी आप कर सकते हैं। प्लीज़ काइंडली थोड़ा ख्याल रखा करें, रात के 2 बजे, 4-4 बजे, 5-5 बजे, सुबह 8-8 बजे भी लोग जो है वो कॉल कर रहे होते हैं, और अगर बंदा कॉल काट रहा है तो जाहिर सी बात है या तो वो सो रहा है या तो वो बिज़ी है। कॉल काटने का मकसद ये नहीं होता कि आपने उसको रिटर्न में 10 कॉलें और करनी है, तो काइंडली ये थोड़ा ख्याल कर लिया करें। सही। आप अगर ज़्यादा आपको वेट नहीं हो रहा तो बस मैसेज करके छोड़ दें या मैसेज कर दें, तो जैसे ही बंदा फ्री होगा या देखेगा तो मैं आपको सुबह उठते ही रिप्लाई कर दूँगा। सही हो गया। अब होम डिलीवरी सर्विस क्या है? जैसे होम डिलीवरी ऑल ओवर कराची है, सिवाय जो मेन एरियाज़ हैं वहाँ पे हम डिलीवरी नहीं करते। PS5 PS4 की भी डिलीवरी हमने स्टार्ट कर दी है। पहले हम कस्टमर का एड्रेस पूरा कंफर्म करते हैं, उसके लिए आपको अगर आपको PS5 डिलीवर कराना है या PS4 डिलीवर कराना है तो आपको हमें अपनी करंट लोकेशन भेजनी पड़ेगी, अपनी लाइफ लोकेशन भेजनी पड़ेगी, अपना फुल एड्रेस भेजना पड़ेगा, और अपने हाउस की फ्रंट की पिक्चर भेजनी पड़ेगी कि डायरेक्ट राइडर कहीं पर भी रुक के आपको कॉल करे, ये ना पूछे कि आपका घर कौन सा है या कौन सा है, डायरेक्ट वो आपके घर आके रुके, ताकि कहीं बीच में स्नैचिंग वगैरह, क्योंकि आपको पता है बहुत अब वाकया सुनने में आ चुके हैं, ये आम हो गया है। आपके साथ भी 2-3 बार हो चुका है? मेरे साथ 2 दफ़ा हो चुका है, अब हर 3-4 दुकानदार से सुन रहे हैं, कभी किसी के साथ मोबाइल के साथ हो रहा है, कभी किसी के साथ लैपटॉप के साथ हो रहा है, तो ये बहुत आम हो गया। घर बंगवा के वो बंदे का घर होता नहीं, और गन पॉइंट पर दिखा के उससे वो सामान छीन लेते, कस्टमर ही बन के जो है वो बुला के और वो सामान छीन लें। इस वजह से ये सारी चीज़ें आपको लाजमी प्रोवाइड करनी पड़ेंगी अगर आपको PS5 या PS4 डिलीवर कराना है। अब शॉपकीपर अपनी सेफ्टी तो रखेगा, हिसाब से बात है सब। देखिए, हम तो कर रहे हैं ना आपको फिर भी डिलीवर कर रहे हैं, बट थोड़ी तो आपको भी जहमत लेनी पड़ेगी, इतनी कोई जहमत नहीं है। बस आपने करंट लोकेशन भेजनी है, लाइफ लोकेशन भेजनी है, और अपना हाउस नंबर, फुल एड्रेस, और घर की जो फ्रंट की पिक्चर है, ताकि राइडर जो है वो गेट पे जान ले कौन सा घर है, उसको ढूंढने में आसानी हो। और क्या कहते हैं आउट ऑफ कराची का क्या? आउट ऑफ कराची जैद भाई, आप हमें जो कुछ कोई सी भी आपको चीज़ चाहिए, पैसे में हम जो हमारी डील होगी वो डन होगी। आप मुझे 1000 रुपये एडवांस भेजें या 2000 एडवांस दे भेजें या 5000 रुपये एडवांस दे दें, वो एडवांस भेजने के बाद जिस तरीके से आप मुझे बोलेंगे, इसकी इस तरीके से वीडियो बना के भेजें, इसकी इस तरीके से मुकम्मल तौर पे आपको पूरा सेटिस्फाई करके हम आपको वीडियो बना के भेजेंगे। जब आप सेटिस्फाई हो जाएंगे फिर आप पूरी हमें पेमेंट लगाएं, फिर हम आपका पार्सल डिस्पैच कर देंगे। अच्छा, वारंटी सर्विस जैसे कि आपकी काफ़ी अच्छी है, आप कंसोल की काफ़ी अच्छी वारंटी सर्विस है, तो वैसे एक बार बता भी दें। जैद भाई, 1 महीना चेकिंग वारंटी, जिसके अंदर ऑन ऑफ के इशू में कोई क्लेम नहीं होता, जो उसका खर्चा आएगा वो आपको वेरी करना पड़ेगा। ऑन मशीन के अंदर कुछ भी इशू आएगा, सीडी रोम, हैंगिंग, हीटअप, डिस्प्ले का कुछ भी इशू आता है A to Z, वो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करके देंगे। और 6 महीने मेंटेनेंस सर्विस है, उसके अंदर आपका अगर कोई बोर्ड अपना पार्ट्स नहीं लग रहा इसके अलावा, तो वो हम आपको 6 महीने में सर्विस मेंटेनेंस करके देंगे। और यूज़ में जैसे PS5 वगैरह आ जाए या स्लिम भी आया हुआ जैसे आपके पास, तो इसकी सेम
क्योंकि इसमें हमें पता है इसमें जरूरत ही नहीं पड़नी, 5 साल भी इसमें सर्विस नहीं आनी है। तो अब आप कस्टमर बोले अपनी दिल की तसल्ली के लिए हमारी सर्विस कर दो, तो इसकी सर्विस बहुत कॉस्टली होती है, तकरीबन 5-6 हज़ार 7 हज़ार रुपए की होती है, वो हमारे लिए प्रोवाइड करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इसके अंदर बचत जो है वो कम होती है बनिस्बत PS4 से। सही है। तो रिपेयरिंग सर्विस वैसे क्या है? रिपेयरिंग सर्विस सिर्फ हम अपना एक्सबॉक्स 360 नहीं बनाते, उसके अलावा सब बनाते हैं, एक्सबॉक्स सीरीज एक्स, एक्स और सीरीज एस, PS5, PS3, PS4, एक्सबॉक्स वन में सिर्फ 360 नहीं बनाते। तो आपके पास कोई भी इशू है आप हमें व्हाट्सएप कर दें, अगर वो इशू हमें व्हाट्सएप पे समझ में नहीं आ रहा हो तो, क्योंकि 3-4 चीज़ें हो सकती हैं कि इससे भी मसला हो, तो हम बोलते हैं आप शॉप पे ले आएँ, शॉप पे चेक करके आपको एस्टिमेटेड बता देते हैं इतने तक का खर्चा आएगा। अगर वो उसी दिन होने वाला होता है तो अगर आप शाम में देते हैं तो रात में मिल जाता है, वरना अगले दिन मिल जाता है। और अगर पावर के ये होते हैं कि लंबे होते हैं तो उसमें 2-3 दिन का टाइम लग जाता है। और अगर आपका आने का इशू है तो आप बोलेंगे हमारे पास राइडर होता है, वो आपके घर से चीज़ उठा के ओके करा के आपको वापस ड्रॉप कर देगा, और हर चीज़ की हमारी जो आपने हमसे बनाई है उसकी 1 हफ्ते की चेकिंग वारंटी होती है। सही हो गया। और किसी को अपने गेम कंसोल या कंट्रोल सेल आउट करना है, एक्सचेंज कराना है? सिर्फ एक्सबॉक्स 360 और PS4 के कंट्रोलर नहीं लेते, और एक्सबॉक्स वन के अपना PS3 के नहीं लेते, बाकी एक्सबॉक्स वन के नहीं लेते, बाकी सीरीज एस, PS4, PS5 सबके कंट्रोलर बाय करते हैं। और कंसोल्स में? कंसोल में भी सारे कंसोल बाय करते हैं सिवाय 360 एक्सबॉक्स 360 के, उसके यानी PS3 वगैरह बाय कर लेते हैं अगर सील्ड हो तो। जी जी, सील्ड। सही, वो तो साइबर गेम्स की बुनियाद ही सील्ड, इसे इसके अलावा तो काम ही नहीं हमारा। और PS4 और PS5 के गेम्स आप बस सेल आउट एक्सचेंज वगैरह करते हैं? एक्सबॉक्स वगैरह की नहीं करते, क्योंकि उसमें आपको पता है वो जेल ब्रेक भी आ गया, गेम पास आपको एक्सबॉक्स का मिल जाएगा, हमारे पास से सारे गिफ्ट कार्ड्स भी मिल जाएंगे, PS4 PS5 वही मेंबरशिप गिफ्ट कार्ड वगैरह सारे मिल जाएंगे, जो ऑन द स्पॉट रेट चल रहा होगा बेस्ट रेट में आपको इंशाल्लाह। अच्छा, ये तुर्की वाली मेंबरशिप वगैरह भी अवेलेबल है? वाली मेंबरशिप, लेकिन अब तुर्की और USA में इतना फर्क रहा नहीं है, जैसे पहले होता था ना तुर्की की 20-20 हज़ार का फर्क है, नहीं पहले तुर्की वाली 9,000, 10,000, 12,000 रुपए की भी थी, अब उस पर पहले वो 400 लेरा 600 लेरा की आती थी, अब वो 2400 लेरा 2700 2800 लेरा की हो गई, तो उसमें भी जो है वो पैसे बढ़ गए, तो अब उसमें और उसमें जो है ना USA वाली में तकरीबन 10,000 तक का ही फर्क आ रहा है। ये जैसे मेंबरशिप वगैरह आप सेल करें तो अकाउंट वगैरह भी होते हैं आपके पास? तो ये तुर्की के अकाउंट ही बनते हैं? नहीं, ये जैसे गेम पास, ये एक्सबॉक्स के गेम पास वगैरह वाले, अपने अकाउंट में बोलोगे आपके अकाउंट में करके दे देंगे, अगर आप बोलोगे नया अकाउंट बना के तो नया अकाउंट, उसमें 2-3 हज़ार रुपये का फर्क, अगर आप नया अकाउंट लेते हो तो वो थोड़ा सस्ता पड़ रहा होता है, अगर अपने ही अकाउंट में कराते हो तो वो उसमें थोड़ा सा महंगा पड़ रहा होता है। सही है। चलो, तो ये सारी डिटेल्स वगैरह हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई, अब फाइनली प्राइसेस पर आते हैं। सबसे पहले हम यूज PS5 स्लिम के प्राइस पूछेंगे, सही है? तो इसके अब रेट बताएं क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई, ये जापान में ये कम से कम भी 3 महीने चली हुई चीज़ है, और कंडीशन आपके सामने है, ये आप देख सकते हैं इसके कंट्रोलर की कंडीशन बिल्कुल टिप टॉप 10/10 कंडीशन है, कम्प्लीट सामान है इसका, ये आप कंडीशन देखें बिल्कुल ब्रांड न्यू जैसी कंडीशन है, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ सुथरी नई जैसी कंडीशन में। इसकी जो हम प्राइस कोट कर रहे हैं जैद भाई, वो कर रहे हैं 142 इसकी आप प्राइस कोट कर रहे हैं, इसमें निगोशिएबल है, जो कमी बेशी होगी वो मैं कर दूंगा, और इसी में अगर आप जाते हैं फैट ये डब्बे वाला है, इसी में आप जाते हैं, एक मेरे पास मशीन है स्लिम के अंदर विदाउट बॉक्स, ये विदाउट बॉक्स है, ये जम्बो वाली है, ये भी बिल्कुल 10/10 नए जैसा पीस है, ये आप समझ लें ये चला ही नहीं है, इस कस्टमर से जो है वो बाहर से लेकर आया था, ठीक है ना, और ये अपना वो बिना डब्बे के लेकर आ गया था इस डर से कि कस्टम में कहीं पैसे वैसे ना ठुक जाए, तो इस वजह से ये मशीन चली हुई ही नहीं है, जम्बो वाली वारंटी मशीन है, ये जो पड़ेगी ये फाइनल 140 की पड़ेगी, 140 की, इससे कम नहीं है, नहीं ये बिल्कुल फाइनल, क्योंकि ये आप समझे चली नहीं है, पावर केबल वगैरह सब कुछ अवेलेबल। सही। अच्छा, इसके अलावा जैद भाई मेरे पास जो है ये फैट मॉडल भी है उसके अंदर, ये भी बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में आप देख सकते हैं, ये भी विदाउट बॉक्स ही है, ठीक है ना, ये 1100 सीरीज है, ठीक है ना। अच्छा, इसकी एक चीज़ जैद भाई और दिखा देता हूँ मैं, ये सील्ड पीस है, ये आप देख सकते हैं, ये सील दिखा दें, ठीक है ना, खुला हुआ रिपेयर्ड नहीं है, सील्ड पीस है, ठीक है ना, ये जो पड़ेगा जैद भाई ये पड़ेगा 1,27,000 रुपये का, 1,27,000 रुपये का ये पड़ जाएगा, सही है, कौन सा रीजन है ये? आई थिंक UK है, UK रीजन, जापान नहीं है, UK ही है। सही। तो
PS4 ये यूज में होगा। अब बाजे ब्रांड न्यूज पर, तो स्लिम का क्या रेट है? जैद भाई ब्रांड न्यू जो इस वक्त आपका यूके वाला है वो इस वक्त जो रेट है वो 167 का है, ब्रांड 167 का जी। और जो जापान है वो है 163 का, 163 का जापान आप जी। सही। और इसी में अगर आप फैट वाले में जाएंगे, फैट वाले आप मेरे पास चंद दो यूनिट के बचे हैं, एक इसमें यूएसए है और एक इसमें यूके है। जो यूएसए वाला है वो आपको 168 का पड़ेगा और जो यूके वाला है वो 165 का पड़ेगा। सही जी। अब आ जाते हैं पीएसओ प्रो पर, तो एक डब्बे वाला आपके पास दो है, एक बैटल फ्रंट में है जैद भाई, इसकी प्राइस मैंने ड्रॉप कर दी है पहले से, ये 70,000 का पड़ेगा। सही है। डब्बे वाला पीस 700 में, और इसमें ये एक बिल्कुल ब्रांड न्यू जैसा पीस है जो मेरे पास आते थे, एक पीस इसमें पड़ा हुआ है, ये जो पड़ेगा ये 75 का पड़ेगा, 75 का ये पड़ जाएगा। और ये 11.0 से नीचे वर्जन है, तो अगर आप कोई जेल ब्रेक कराना चाहे जेल ब्रेक भी करा सकता है, जो मार्केट में डिवाइस लग के 85 का बिक रहा है, तो मैं अभी वो उस पर काम नहीं कर रहा, तो आप ये डिवाइस लगा के अगर जेल ब्रेक कराना चाहें किसी और से तो वो भी कर सकते हैं। सही, ये अच्छा। और विदाउट बॉक्स वाले जो आपके मौजूद हैं, जैसे विदाउट बॉक्स वाले आपके जो है वो 63 से स्टार्ट है जी। एक ये मशीन है 1716, ये पड़ेगी 63,000 की, सील्ड मशीन नॉन रिपेयर। इसके अलावा एक 71 की मशीन है जो बैटल फ्रंट एडिशन के अंदर है, वो आपको तकरीबन 65 तक की पड़ेगी। सही है। इसके अलावा 72 की सीरीज़ में भी है, वो बिल्कुल नए जैसा टिप टॉप पीस है, वो तकरीबन आपको 70-72 तक का पड़ेगा। सही। तो जेल ब्रेक पर आइए, जेल ब्रेक प्रो में जैद भाई मेरे पास कुछ यूनिट्स थे वो अलहमदिल्ला सोल्ड आउट हो गए, अभी ये एक वाइट में पीस है, ठीक है ना, ये भी सील्ड मॉडल है, 71 की सीरीज है, ये जो पड़ेगा ये पड़ेगा 93,000 का, 9.0। और वो डब्बे वाला पीस है मेरे पास वाइट में ही, ये 72 की सीरीज है। सही। ये 72 की सीरीज है, बिल्कुल टिप टॉप नए जैसी कंडीशन में 72 की सीरीज है, सीरियल मेल बॉक्स है, ये पड़ेगा 1,00,000 रुपए का। सही। और इसके अलावा वाला पीस महबूब, ये जो है आप यकीन करें ये हर बार कस्टमर आता है इसके लिए, बट हर बार पता नहीं क्यों फिर ब्लैक ले जाता है, बोलता है यार इसके 3,000 रुपये ज़्यादा पड़ रहे हैं, तो इस वजह से जो है वो मैं ब्लैक वाला दे दूँ 3,000 रुपये के, मैं एक्स्ट्रा कंट्रोलर ले लेते हैं, और मैंने जो है वो इसके प्राइस जो है वो थोड़े से ड्रॉप कर दिए, तो ये वो अपना 95 का पड़ेगा, 95 का ये पड़ेगा। सही है। प्रो स्पाइडरमैन एडिशन वाला, तो ये प्रो यहाँ पे कंप्लीट हो गए। सही। अच्छा, ये जेल ब्रेक है, ये जेल ब्रेक 9.0 के। और अब स्लिम पर आए तो डब्बे वाले पीस कितने के दे रहे हैं आप? जैद भाई स्लिम वाला जो पीस है, डब्बे वाले पीस 50 में भी है, 52 में भी है और 54 में भी है, ये एक पीस है, डब्बे वाला साफ सुथरी कंडीशन में पीस है, ये 51 का पड़ेगा। सही है। इसमें ये वाला पीस है ये 50 का पड़ेगा, ठीक है। इसमें ये पीस है ये आपको 53 का पड़ेगा, इसमें गेम्स वगैरह लोड है, ये एक मशीन है, इसके अंदर भी गेम्स अपना डले हुए हैं, ये वाली मशीन है, इसमें भी गेम्स वगैरह डले हुए हैं, ये भी 53 के पड़ेंगे इसमें। अच्छा, 1 TB पे आ जाए कितना डिफरेंस आ जाएगा फिर? जैद भाई 4,000 रुपये का डिफरेंस आ जाएगा, जिसमें गेम डले हुए तो वो तो उसको आप 1 TB कराएंगे तो वो गेम डिलीट हो जाएंगे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, तो जो बाकी बताई जो 50 वाली है वो 54 हो जाएगी, जो 51 वाली है वो 55 हो जाएगी। सही। इसी में विदाउट बॉक्स में आ जाए, ये पीस है, जेल ब्रेक है ये, अपना नॉन जेल ब्रेक है ये, सील्ड मशीन है, 500 GB, साफ सुथरी कंडीशन में, ये 48 का पड़ेगा। इसी में इसके 1 TB में जाएंगे तो 4,000 रुपये पड़ जाएंगे, 52 का हो जाएगा ये। सही है। 48 में भी है इसमें विदाउट बॉक्स में, ये मशीन है, ये 50 तक की है। सही। ठीक है। और इसमें एक और मशीन है जो बिल्कुल टिप टॉप है, तो ये 52 तक की है, ये 2216 वही 2016 लेंगे, 48 2116 50 और 2216 52, ये हिसाब से। और अपना 1 TB में जाएंगे तो 4,000 रुपये का डिफरेंस आ जाएगा। सही है। 48 वाली है वो 52, जो 50 वाली है वो 54 और जो 52 वाली है वो 56 का पड़ जाएगा। सही। इसी के जेल ब्रेक आ जाए, इसी के जेल ब्रेक में जैद भाई जेल ब्रेक के प्राइस मैंने थोड़ी ड्रॉप कर दी, इसमें जो वाइट मशीन है जेल ब्रेक की जो मैं 75 कोट कर रहा था, तो ये मैं अब आपको दे दूंगा 71,000 की, ये 500 GB दे देंगे जेल ब्रेक। और इसी का जो वाइट वाला अपना 1 TB के अंदर है, ये पड़ जाएगा 76,000 का, ये पड़ जाएगा 1 TB जेल ब्रेक, 1 TB जेल ब्रेक। सही। इसी में अगर ब्लैक में आ जाए तो ब्लैक में आपका ये मशीन है 500 GB, ये आपको जो है अराउंड पड़ जाएगी 73 की, तो ये जेल ब्रेक होगी। इसके अलावा
ये एक मशीन है, ये वाली आपको पड़ जाएगी 70,000 की, वही मॉडल के हिसाब से 17-16 होगी, अपना 20-16 होगी तो 70 की पड़ेगी, 21-16 होगी तो आपको 72 की पड़ेगी, और 22-16 होगी तो वो आपको तकरीबन 75 तक की पड़ेगी। 70 से लेकर 75 तक की रेंज में है 500 GB, और उसी के 1 TB में चले जाएँ तो 4,000 रुपये का डिफरेंस आ जाएगा। सिंपल। अब वहाँ पर आ गया, एडिशन वाले ये पीस, और इसका मेरे पास ह्यूज स्टॉक है स्लिम जेल वेगो का, तकरीबन 22-25 पीस पड़े हुए मेरे पास। सही, ठीक है। अब मैं कह रहा था इस तरफ आ जाए, ये जेल ब्रेक आई, अपना जेल ब्रेक ही में नहीं, ये नॉन जेल ब्रेक, हाँ ये जेल ब्रेक है लेकिन ये 11 वाले हैं, ये 11 वाले, 11 वाले हाँ, सही है। बट ये इसको हम करके देंगे नहीं, इसको हम ऑनलाइन में ही बेचे हैं, हम वो वाला अभी करके दे नहीं रहे, एडिशन वाले, हाँ, लिमिटेड एडिशन, हाँ, ये आपको पड़ेगा 55,000 का, 55,000 का ये वाला नहीं है, 500 ये वाला, 500, हाँ 500 1 TB वाले, इसी के 1 TB में जाएंगे तो आपका ये 58 का पड़ेगा, 58 का जी जी, अगर किसी को 500 GB में चाहिए तो 500 GB 1 TB में चाहिए। ये वाला जो है ये 1 TB है, इसका अपने साथ डेज ऑफ प्ले का अपना कंट्रोलर भी है, ये आपको 60 का पड़ेगा, 60 का ये पड़ेगा, सही है। और ये आपका जो है वही 11 की, अगर किसी को जेल ब्रेक कराना हो तो वो करवा सकते हैं, हम नहीं करके दे रहे, बाहर से अगर करवाना है तो करवा, वो करा सकते हैं। 500 मिली लिमिटेड एडिशन रैद भाई, ये आपको मिल जाएगा, इसके भी प्राइस मैंने थोड़े से ड्रॉप कर दिए हैं, ठीक है। ये जो पड़ेगा, ये पड़ेगा 74,000 में, 74,000 का ये जी लिमिटेड एडिशन प्रो, इसके साथ अपना कंट्रोलर है, ये 74 का पड़ेगा, 74। अच्छा ये नॉन जेल ब्रेक है जी, ये नॉन जेल ब्रेक, और ये 2 TB नहीं 1 TB 1 TB 2 TB हटा दो, 2 TB तो तकरीबन 2 TB की प्राइस ही 18-20,000 रुपये है, तो ये 1 TB आपको मिल जाएगा 74,000 का, सही जी। अब आ जाते फैट पर, तो डब्बे वाले पीस कितने के दे रहे हैं जैद भाई? फैट वाले जो डब्बे वाले पीस हैं, इसमें कुछ 44 के भी हैं, 45 के हैं, 1200 सीरीज, ठीक है ना। इसमें एक मशीन है वाइट वाली, वो सिर्फ जो है वो बिल्कुल 10/10 नहीं जैसा पीस है, वो 48 का है, बाकी जो है आपको एक पीस इसमें 44 का और एक पीस 45 का डब्बे वाले। 1 TB में ले जाएंगे, ये भी बिल्कुल नए जैसे साफ सुथरा पीस है, ये पड़ेगा, ये थोड़ा कॉस्टली है, ये तकरीबन पड़ेगा 50,000 तक का, 50,000 का ये पड़ जाएगा जी। विदाउट बॉक्स में आ जाएँ तो 1200 इस वक्त पड़े हुए हैं, पर 1100 नहीं है, 1100 आने हैं, वो तकरीबन 40 तक के होते हैं, और इस वक्त मेरे पास 1200 पड़े हैं, 1200 इसमें ये 1 TB है, ठीक है। ये आप लेंगे तो ये आपको पड़ेगा 46,000 का, 46,000 का ये पड़ जाएगा 1 TB। इसमें अगर आप 500 GB लेते हैं, में आप 500 GB लेते हैं, इसका भी आप ये वर्जन देख सकते हैं, अगर किसी को जेल ब्रेक कराना हो तो करवा सकते हैं, ये 500 GB आपको पड़ेगा 43 का ये पड़ जाएगा, सही है। और इसमें जेल ब्रेक पर आ जाए, फैट के जेल ब्रेक में जाएंगे रहते ही, तो इस वक्त मेरे पास तकरीबन 4-5 मशीन है, ये वाइट वाली लेंगे, ये आपको पड़ेगा 65 का, सही है। इसका प्रीमियर आप देख सकते हैं 7.51 है। अच्छा, मेरे पास जो ज़्यादातर मशीनें होती हैं रहते, वो पहले से जेल ब्रेक पर नहीं चली हुई थी, इसकी वजह से जो है वो मार्केट से मेरे थोड़े से रेटों में 1-2 हज़ार रुपये का फ़र्क आ रहा होता है, कि आप इसको फर्स्ट टाइम आप ही जेल ब्रेक पर चलाओगे, पहले से जेल ब्रेकों पे चली हुई या घिसी हुई नहीं होती, तो फर्स्ट टाइम जेल ब्रेक करके आपको हम देते हैं। बाकी इसमें ये एक और है, ये वाली 9.0 पे है, ये 1 TB है, सही। ये पड़ेगी 68 की, 68 की ये 1 TB है, वो 500 GB थी, हाँ ये वाली 500। अब ये 500 GB ब्लैक पर आ जाए, ये 1200 मॉडल है, सही है, ये पड़ेगा 70,000 का, 70,000 का 1200 मॉडल, बल्कि ये 68 का लगा दूँगा, 68 का आप लगा देंगे, सही। इसके अलावा ये और है 1100, ये भी आई थिंक उसका भी मॉडल है, ये भी जेल ब्रेक हुआ हुआ, ये पड़ेगा 62 तक का ये पड़ जाएगा, सही है। तो मेरे ख्याल से कंसोल कंप्लीट हो चुके, PS3 वगैरह भी अवेलेबल नहीं, PS3 अभी अवेलेबल सही। तो कंट्रोलर्स पर आ जाए, तो PS5 के कंट्रोलर से स्टार्ट लेते हैं हम हर बार की तरह, तो गॉड ओवर वाला कंट्रोलर कितने का दे रहे हो आप? जैसे गॉड ओवर वाला जो है मैं दे रहा हूँ, वैसे तो मार्केट इसकी 31-32 की है, मैं जो सलाह दे रहा हूँ ये 29,000 रुपये का पड़ेगा, क्योंकि मेरे पुराने स्टॉक में आया हुआ है, सही है। और वाइट वाला 19,000 रुपये का है, पर्पल कलर, ये पर्पल कलर हो गया, ये रेड कलर हो गया, ये ब्लू हो गया, और ब्लैक हो गया, ब्लैक अभी स्टॉक ख़त्म हो गया, तो ये आपको 19.5 के पड़ेंगे। कैमो, जो कैमो वाला है ये 20 का पड़ेगा, और मेटेलिक, और जो ये मेटेलिक रेड है और सिल्वर है, और इसमें ये ब्लू मेटेलिक ब्लू, ये तीनों जो ये नए कलर हैं, ये आपके 21,000 के, 21,000 के जी। और ड्यूसेन चार्जिंग स्टेशन ये ब्रांड न्यू 8,000 रुपये का। PS4 की कॉपी कस्टमाइज कंट्रोलर ये 3500 रुपये के पड़ेंगे, 3500 रुपये आती है, जो वीडियो से आएगा बताएगा वो, उसको ये 3500 रुपये का पड़ेगा। इस तरफ हम आए तो यहाँ पे एक्सबॉक्स सीरीज के कंट्रोलर हैं, सॉरी
तो एक ये यूज़ में है सारे, इसमें आपके 13 से लेकर 14 तक की रेंज में, और इसमें एक एक्वा शिफ्ट वाला भी है। एक्वा शिफ्ट व्हील को साफ सुथरी कंडीशन में ये पड़ेगा 14,000 रुपये का। 14,000 रुपये का ये एक्वा शिफ्ट वाला नए जैसी कंडीशन में ये पड़ेगा 14,000 का। सही है, ठीक है। बाकी इसमें एक थोड़ी रफ कंडीशन वाला आया है मेरे पास, ठीक है, ये इसकी कंडीशन है, ये इसके ऊपर निशान लगे हुए, ये साफ हो जाएंगे, ठीक है। ये अभी आज ही आया था, तुम सोचा मैंने दिखा दूँ, तो ये पड़ेगा 10,000 रुपये का। 10,000 रुपये का ये पड़ेगा, डिपेंड ऑन कंडीशन। सही है। और PS4 की कंट्रोलर्स पर आ जाए तो वो ओरिजिनल है। PS4 की कंट्रोलर्स जैद भाई ह्यूज वैरायटी है मेरे पास, यहाँ पे रखे हुए हैं, ये एक कार्टन है, ये रखे हुए हैं, इसके अलावा एक कार्टन ये है, ये भरा हुआ बड़ा हुआ। सही है। तो ये आपको यूज में जो है मेरे पास वैरायटी जो मिल जाती है 7,000 रुपये से स्टार्ट है, ऑनवर्ड्स 11,000 रुपये तक की रेंज आ रही है। सही। जो 11,000 वाले होंगे वो ऐसे ही होंगे जैसे बिल्कुल आप ब्रांड न्यू ही चीज़ ले रहे हो, बाकी 7,000 नॉर्मल यूज कंडीशन है, 8,000 उस हिसाब से प्राइस रेंज में, 7,000 से स्टार्ट है, आपका 11,000 तक की रेंज में जा रहा है। और अगर ब्रांड न्यू में जाएंगे तो ब्रांड न्यू में ये चार कलर अपना, तीन कलर मेरे पास हैं, दो वाइट पड़े हैं और एक ब्लैक और एक ब्लू पड़ा हुआ है, ये 15,500 के। हाँ। और ये भी ये हेडसेट यूज में आया हुआ पल्स 3G, ये ब्लैक कलर में, ये पड़ेगा 18,500 रुपये का, बिल्कुल ब्रांड न्यू जैसी कंडीशन में। इसके भी अनबॉक्स करके दिखाई देता हूँ, ये इसकी ऑक्स केबल, सही है, ये इसका डोंगल, सही, और ये आप कंडीशन देख सकते हैं, इसके फॉर्म की कंडीशन देख लें, कहीं से भी जो है वो मतलब एक होता है ना रगड़ा हुआ घिसरा हो, कहीं से भी हल्का सा भी कोई घिसा विसा हुआ कुछ भी नहीं है, कंडीशन एकदम साफ है। कितने का दे रहे हैं ये? 18,500 रुपये का। 18,500 रुपये का ये आप दे रहे हैं। सही है, रख दो अंदर। अब जैसे कि लास्ट में हर बार हम गेम्स का पूछते हैं, पर गेम्स का पूछने पहले रेंटल सर्विस ही पूछते हैं, तो रेंटल सर्विस क्या है भाई? रेंटल सर्विस पुराने गेम्स पर डे 50 रुपये, मिनिमम 10 दिन लेनी पड़ती है, और लेटेस्ट गेम जो चलने वाले गेम है वो पर डे 100 रुपये, मिनिमम 10 दिन लेनी पड़ती है। जो CD का अमाउंट होगा, 2,000 की CD हो, 5,000 की CD हो, 8,000 की CD हो, उसका आपको डिपॉजिट उतना देना पड़ता है। और पैकेजेस? पैकेज जो है वो PS4 की सीरीज़ का महीने का पैकेज है, आप उसके अंदर 3 DVDs ले सकते हैं 1 गेम एट अ टाइम, उसमें आपका 3,000 रुपये है। और जो PS4 का है उसके अंदर आप महीने के 4 गेम ले सकते हैं 1 गेम एट अ टाइम, उसके 4,000 रुपये डिपॉजिट है। और अगर कोई नया लेटेस्ट गेम आया है और वो आपको फौरी रेंट पे चाहिए पैकेज के अंदर, तो फिर वो आपका उस मंथ का पैकेज जो है वो 5,000 हो जाता है। सही है। ये PS4 PS5 दोनों गेम के लिए जी, जी, पैकेज है। PS4 जो PS5 वाली हो तो आप PS4 के लो, PS5 के लो, वापसी हो जाए। सही है। अब प्राइसेस पर आ जाए तो साइबरपंक लिबर्टी वाला ये कितने का दे रहे हो? साइबरपंक अल्टीमेट एडिशन ये जो है 9,000 रुपए का। 9,000 रुपए का ग्रैंड टूरिज्मो 7, ये ग्रैंड टूरिज्मो ये 9,500 का है। मोर्टल कॉम्बैट 1 ये है 10,000। 11 अल्टीमेट ये 5,500। टेकन 8 ये ब्रांड न्यू है 10,500 रुपए। 2K24 ये ब्रांड न्यू है 12,500 रुपए। क्रिकेट 24 ये यूज में आपको मिल जाएगी मेरे पास 10,000। 22 यूज में 6,500। लास्ट ऑफ पार्ट 1 यूज में आया आपके पास ये 11,500। और पार्ट 2 रिमास्टर्ड? पार्ट 2 ये ब्रांड न्यू है 13,500। हॉगवर्ट्स लेगेसी ये यूज के अंदर है 9,000 रुपए। स्पाइडरमैन 2 ये यूज में है 13,500। हिटमैन की ये ट्रिलॉजी आई हुई है ये भी यूज के अंदर मिल जाएगी। इसके अंदर तीनों पार्ट है, कोर्ट का कोई सिस्टम नहीं होता है इसके अंदर, इसके अंदर तीनों होते हैं। सही है। ये आपको पड़ेगी 10,000। और गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी ये 5,000। एल्डर रिंग ये ब्रांड न्यू अवेलेबल है एल्डर रिंग मेरे पास, ये आपको मिल जाएगी तकरीबन 10,000। फॉरबिडन वेस्ट ये 6,000 रुपये। गोस्ट रिंग में डायरेक्टर्स कट ये ब्रांड न्यू अवेलेबल है 9,500 रुपये की। सीफू यूज में 6,000। डीमन सोल 5,000। जुमांजी द गेम ये 4,000 रुपये। फाइनल फैंटेसी ये कौन सा? 17 ये जो लेटेस्ट वाला है रीबर्थ से पहले जो भी है। हाँ। ये आपको मिल जाएगा 9,500 का। 9,500 का प्रिंस ऑफ पर्शिया ये आपको मिल जाएगा, ये भी 9,500 का है। जेडाई सर्वाइवर ये 9,000 का। फोरस्पोकन जो है ये आपको पड़ेगा 8,500। क्लिफ्टर प्रोटोकॉल डे 1 एडिशन ये आपको मिल जाएगा 8,000 का। PS4 की गेम्स पर आ जाए तो अच्छा ये कुछ आपके पास रेयर गेम्स भी हैं ये जो नीचे रखे हैं ये सब 1,500 रुपये ही कोई सा भी ले ले जैसे ब्रोल आउट हो गया ये अपना मल्टीप्लेयर गेम है ये डिस्ट्रॉय ऑल ह्यूमंस वगैरह प्लांट एंड ज़ॉम्बीज ये सब 1,500 रुपये के। सही है। और डेमो द कैकरोट ये 4,000। ज़ेनोवर्स 2
ये 2500 से लेकर 3500 4000 तक की रेंज में सही है। इस तरफ हम आइए ये 6000 यूज में नहीं है, माफिया डेफिनेटली 4000 गोसिमा, गोसिमा 55 और डायरेक्टर्स का यूज में ये है 7000 हॉगवर्ड लेगेसी भी ब्रांड न्यू, हॉगवर्ड लेगेसी ये ब्रांड न्यू मिल जाएगा 2500 रुपए, फार क्राई 6 वो कोने पे, फार क्राई 6 ये आपको मिल जाएगा 5000 रेजिनेबल 7 ये 3000 और 8 विलेज, विलेज ये 55 4 रेजिनेबल, रेजिनेबल 4 रीमेक है जी, जो रीमेक है वो 9500 का है और जो नॉर्मल वाला है वो 2500 रुपए और अपना डीमन स्लेयर्स, डीमन स्लेयर 6500 और माइल्स मोरेलेस 6000 गॉड ओवर 2018 ये 3000 और रेग्नारोक, ब्रांड न्यू आपको मिल जाएगा मेरे पास से 11000 रुपए सही ये यूज में अवेलेबल नहीं है जीटीए 5 प्रीमियर एडिशन है ब्रांड न्यू 5000 और जीटीए ट्रिलॉजी ये 6500 विचर 3 ये आपको पड़ेगा 3000 रुपए रिटर्न टू अरकम ये 4000 अरकम नाइट ये 2500 एलन वेग रिमास्टर्ड ये 6000 रुपए सही हो गया प्राइस जिनके प्राइसेस कम हुए हैं वो मैं बता देता हूँ जैसे एफसी 24 है ये आपका हो गया है ब्रांड न्यू 7500 रुपए का मिल जाएगा सही है 2K24 है ये आपको ब्रांड न्यू मिल जाएगा 11500 रुपए का 23 काफी लोग चलते हैं अभी 23 आपको ब्रांड न्यू मिल जाएगा 6000 रुपए का 6000 रुपए का सही है और इक्रियो मोटर फीस आपको ब्रांड न्यू 10000 की मिल जाएगी ग्रेडो 7 ये ब्रांड न्यू 9000 क्रिकेट 19 ये 5000 22 7000 24 ब्रांड न्यू 11500 रुपए अच्छा इसमें ये जितने नीचे वाले गेम के जितने भी लगे मॉन्स्टर हंटर डायब्लो को छोड़ के बाकी ये सब जो है वो 1500 रुपए सही शेडो मोडो वगैरह भी ये डायब्लो और मॉन्स्टर हंट जो है ये 2000 रुपए इनजस्टिस 2 आपके पास दोनों पड़े हुए एक नॉर्मल वाला है वाला जो है वो 4000 रुपए का है सादा वाला जो है वो अपना 3000 रुपए का है सोल कैलिबर का ये आपके पास आया ये अल्टीमेट एडिशन है ये आपको ब्रांड न्यू मिल जाएगा 8000 रुपए का काफी चीज है इसके जी 8000 रुपए का पड़ेगा 8000 रुपए का ये पड़ेगा सही ब्रांड रीजन ऑल तो अच्छा ये आरडीआर 1 आपके पास यूज में आएगा जी ये मिल जाएगी 9000 9000 की आरडीआर 1 आप दे दोगे सही ये आपको दिखा भी दे जी मिलता नहीं है बहुत मुश्किल से मिलता है इसलिए थोड़ा सा कॉस्टली है ये यूज में आया हुआ है और फर्स्ट टाइम मैं यूज में देख रहा हूँ इसे सही है ये आप देख सकते हैं लाइक ब्रांड न्यू कंडीशन में है सही है भाई को ब्रांड न्यू बेचा था तो उन्हीं से आया है रिटर्न क्या रेट बताया आपने 9000 सही है तो यहाँ पर प्राइसेस वगैरह हो गए अब काफ़ी गेम से अब हर एक का प्राइस पूछने लग गया तो वीडियो अच्छी खासी लंबी हो जाएगी तो वीडियो को अभी फिलहाल हम यहीं पे एंड करते हैं यही थी आज की वीडियो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मैं वीडियोस को नोटिफिकेशन टाइम टाइम मिलती रहे और किसी भी चीज़ की प्राइस वगैरह पूछनी हो गेम कंसोल या कंट्रोल वगैरह कंसोल जेल ब्रेक करवाना हो गेम्स इंस्टॉल वगैरह कराने हो या रेंट पर कोई गेम वगैरह लेना हो तो आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अपना साइबर गेम्स पे साइबर गेम्स के नंबर्स वगैरह आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे फेसबुक पेज वगैरह लिंक के साथ सही और मेरे सोशल मीडिया लिंक्स भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे तो मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़